हाँ जी, सिंटैक्स क्या है, ये जो आपने इंग्लिश लाइक वर्ड जो यूज कर रहे हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ, इनको यूज करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसको सिंटैक्स कहेंगे। सो उस सिंटैक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी भी लैंग्वेज आएंगी हर एक का अपना सिंटैक्स होगा। सी लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होगा, बेसिक का अपना सिंटैक्स होगा, जावा का अपना सिंटैक्स होगा। श्योरली कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कोड डायरेक्टली, पहले ही आपके जहन में ये चीज आ चुकी है कि जब भी हम हायर लेवल लैंग्वेजेस को यूज करेंगे तो कंप्यूटर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, हमें ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर्स को यूज करना पड़ेगा, और जब वो यूज होंगे तो लामहाला हमारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म होने में टाइम लगेगा और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग में भी टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज कन्वर्ट कोड इन मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कह लें वो यूज होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नीचे कुछ एग्जांपल्स, कुछ लैंग्वेजेस के नाम मैंने लिखे हैं जिनको हायर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आप लाई करते हैं, जैसे सी है, उसका एक वर्जन सी प्लस प्लस है, जावा है, बेसिक है, कोबोल है, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो लाई करती हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी कोड की एग्जांपल भी देखेंगे। स्टूडेंट, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है टॉप के ऊपर जो कोड लिखा है, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो कोड है। जब ये कोड चलेगा, ये तीन से चार लाइनों का कोड, तो ये स्क्रीन के ऊपर हेलो जावा, हेलो www.cprogrammingcode.com प्रिंट करेगा। आप देख लें कहीं पे भी कोई मशीन लैंग्वेज का वर्ड नहीं यूज किया गया, जितने भी वर्ड्स हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। और अगर आप इसको गौर से देखें तो किसी जगह पे पी को स्मॉल लिखा हुआ है, किसी जगह पे ई को कैपिटल लिखा हुआ है, सो किसी जगह पे सेमीकॉलन यूज हो रहा है। सो ये सारा क्या है, ये सिंटैक्स है। अगर आप ये जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन को, पी को अगर आप कैपिटल कर देंगे तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि कुछ लैंग्वेज, यहां पे एक चीज आपको भी बताता चलूं कि कुछ लैंग्वेजेस जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद ये होता है कि अगर आपने प्रिंट, जैसे यहां पे ये प्रिंट एलएन लिखा हुआ है, इसमें आपने पी स्मॉल लिखना है, और अगर आपने कैपिटल लिख दिया और वो लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, तो यहां पे एरर जो प्रोड्यूस होगा। नीचे वाला कोड जो है ये सी प्लस प्लस का है, टर्बो सी का है, ये वो लैंग्वेज है जो आपने अपनी बुक के अंदर जो पढ़नी है इंशाल्लाह। ये तीन चार लाइनों का कोड जो है, ये जब रन होगा तो स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो यहां पे भी इसको अगर आप प्रिंट एफ को अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो ये सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस होगा। सेमी कॉलन अगर आप नहीं लगाते, ये जो पैरेंथेसिस लगी हुई है इसको अगर आप जो है वो रिमूव कर देते हैं तो ये कोड रन नहीं हो सकेगा। सो हमने यहां तक दो चीजों को डिस्कस कर लिया है, एक लो लेवल लैंग्वेजेस और एक हाई लेवल लैंग्वेज विद एग्जांपल्स, कोड एग्जांपल्स। सो अब आपको अगर कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्यों मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्यों लो लेवल लैंग्वेज को उसमें प्रोग्रामिंग करना जो है वो मुश्किल है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस के। यहां पे जो चीजें ज़हन नशीन रखने वाली हैं, डिफाइन निमोनिक्स, डिफाइन सेंटेक्स, ठीक है, ये चीजें अक्सर जो बोर्ड के पेपर में जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तानी नुक्ता निगाह से, तकरीबन हर दूसरे साल ये शॉर्ट क्वेश्चन में दो नंबर का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ होता है। ये इन्हीं की बुनियाद पे, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो ड्राइव होता है, सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्डिंग दैट अबाउट कोड विच इज रिटन इन द लैंग्वेज। यहां पे वर्ड कोड से मुराद ये है कि आप जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रिंट एफ और प्रिंट एलन जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई, दैट इज कॉल्ड कोड। तो जब भी कोड की बात होगी तो आपके जहन में आना चाहिए जो प्रोग्रामिंग का कोड है। सो नीचे मैंने इनका कंपैरिजन किया है चार पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामर जो कोड सी के अंदर, जावा के अंदर या असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखेगा वो कहलाएगा सोर्स कोड। ये ह्यूमन लैंग्वेज के ज्यादा नजदीक होगा और मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा दूर होगा, फार होगा। ऑब्जेक्ट कोड, जब ये आपका सोर्स कोड कंपाइलर में से गुजरेगा तो कंपाइलर इसकी एक फाइल जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। और ये ऑब्जेक्ट कोड जो होगा ये 01 की फॉर्म में होगा, जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए होगा।
सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सी और जावा का कोड दिखाया, अंडरस्टैंड हो सकता है अभी इस लेवल पे, तो ये तो नहीं पता कि कौन सी लाइन क्या कर रही है, लेकिन कम से कम आप उसको पढ़ सकते हैं और किसी हद तक डिफाइन कर सकते हैं कि ये लाइन क्या करती है। लेकिन जो मैंने आपको 01 का कोड दिखाया था, कोड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो मैंने ही बताया था कि इस पूरे कोड का मतलब है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछता कि ये 01 क्या है, तो आप नहीं बता सकते थे क्योंकि वो डिफिकल्ट था। कोड में मॉडिफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सी का कोड देखा, अगर मैं कहता हूं यहां पे हेलो वर्ल्ड के बजाय बाय वर्ल्ड लिखें, तो किसी हद तक अंडरस्टैंड है कि हम हेलो के वर्ल्ड को बाय के वर्ड से चेंज कर देंगे, तो ये चीज कहलाती है मॉडिफिकेशन। कोड में किसी किस्म की तब्दीली कर देना, ये मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो यहां पे मॉडिफिकेशन काफी आसान है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड जो कि 01 का कोड था, उसमें अगर आप देखें, तो अगर वो मैं कोड आपके सामने रखूं और कहूं कि उसमें आप चेंजिंग करें, तो वो काफी मुश्किल होगा। फाइनली कोड इज शॉर्टर, यानी जो सोर्स कोड होता है वो हमेशा छोटा होता है। आजकल ये एक टर्म इस्तेमाल होती है एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। एफिशिएंट प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि कोड छोटे से छोटा कोड और ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म करवाए। सो लेकिन यही कोड, आपका शॉर्टर कोड जब 01 में जाता है, तो वो एक बड़ी स्ट्रिंग बन जाती है 01। तो ऑब्जेक्ट कोड जो है लेंथी होगा और जो आपका सोर्स कोड है वो शॉर्ट। सो यहां पे अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट कि जो कोड आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, दिस वन, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जावा और सी का आपको कोड नजर आ रहा है, दिस कोड इज कॉल्ड सोर्स कोड। लेकिन यही कोड जब 01 में कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कोड। सो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना। सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड, ये इस स्लाइड पे आपको क्लियरली चीजें समझ आ जानी चाहिए कि एक तरफ सोर्स कोड लिखा हुआ है और एक तरफ ऑब्जेक्ट कोड है, और ये काम कौन परफॉर्म करता है? कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है। इसी बुक के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कंपाइलिंग कितने स्टेप्स में परफॉर्म होती है। यहां तो तस्वीर में आपको दिखाया गया है, लेकिन इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि ग्रेजुअली परफॉर्म होते हैं और आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। नाउ फाइनली हम बार बार ये बात जो करते आ रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो ये आज के लेक्चर का फाइनल टॉपिक, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर आर ट्रांसलेटर, ये एक ही चीज के लिए दो वर्ड यूज होते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि इसी को ट्रांसलेटर भी कहा जाता है और इसी को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। दीज लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट यहां पे अपने जरा फर्स्ट ईयर के लेक्चर को रिकॉल करें, हमने वहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की तीन किस्में पढ़ी थी। नंबर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर दो डिवाइस ड्राइवर्स, और नंबर तीन लैंग्वेज प्रोसेसर्स। सो अब यहां पे हम वो देख रहे हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो हैं, इनका काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के कोड को हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और ये तीन किस्म के होते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर के अंदर जो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां भी हम इसको देख रहे हैं, ये आपके बुक का हिस्सा है और कोर्स का भी हिस्सा है। तीन तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर कह रहे हैं या ट्रांसलेटर कह रहे हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। कंपाइलर, ए प्रोग्राम कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड, अंडरस्टूड है? इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम एट ए टाइम। ये बात समझने की है, ऑलरेडी आप जानते भी हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर कोर्स के, कंपाइलर जो है वो एक ही दफा में पूरे कोड को पढ़ता है पहले, और अगर उसमें कोई गलती ना हो तो उसको कंपाइल करके एक ही दफा में पूरे प्रोग्राम का जो है वो ऑब्जेक्ट कोड जो बनाता है। कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, अभी हमने देखा भी, ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूट मेनी टाइम। जो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है तो फिर उसमें आपको बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ता, उसी फाइल पे क्लिक करके आप बार बार उसकी आउटपुट जनरेट जो है वो करवा सकते हैं। ये इतना एफिशिएंट होता है कि ये आपके एरर्स को डिटेक्ट करता है, सिंटैक्स एरर, यानी कोई आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की है, कोई आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, ये उसको ना सिर्फ चेक करता है बल्कि आपको बताता भी है कि फ्लॉ लाइन के ऊपर आपने ये गलती की है। सोर्स कोड हैव सिंटैक्स एरर एंड नॉट कंपाइल्ड।